चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम सेल सिलेक्ट कर रहे हैं। सेल सिलेक्ट करने के बाद होम में मर्ज एंड सेंटर हेडिंग टाइप करेंगे। यहाँ पर हेडिंग देने के बाद बाहर क्लिक करेंगे किसी भी सेल पर, फिर दोबारा इसी सेल पे आए जो मर्जन सेंटर किया था, और इसके ऊपर आने के बाद यहाँ से हेडिंग, इसका साइज, कलर, और यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। हेडिंग कोई दूसरी देखते हैं, सेल्स डेटा रिपोर्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले एक कॉलम बनाना है, आइटम कोड, आइटम नेम, प्रोडक्ट रेट, क्वांटिटी अमाउंट, अमाउंट के बाद टैक्स, कमीशन, और उसके बाद आखिरी में आ जाएगा टोटल। यहाँ पर रॉ नंबर 5 में ये नाम मैंने टाइप किए हुए। यहाँ जिस रॉ की हमें हाइट बढ़ानी है, इस जगह जहाँ 5 लिखा हुआ है, इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है। इधर क्लिक करेंगे, क्लिक करके माउस को मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि हाइट बड़ी हो जाए रॉ की। उसके बाद पूरी रॉ सेलेक्ट करें जिस पे हेडिंग टाइप की है, उसके बाद यहाँ से सेंटर कर दें इसे भी। बॉर्डर थोड़ा सा बोल्ड कर दें, इसको बड़ा कर दें। साइज के बाद अब यहाँ से अगर फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। हाईलाइट कलर यही रहने देते हैं, राइटिंग। उसके बाद जहाँ तक हमें एंट्रियाँ करनी है, जितने हमारे पास कोड आ रहे हैं या एम्प्लॉयज़ होंगे, उस हिसाब से हम सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से बॉर्डर में आके ऑल बॉर्डर कर देंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट के कोई भी कोड होगा, या कोशिश करिएगा फर्स्ट जो भी आप कॉलम रखते हैं कोड होगा, या आइटम कोड के अलावा सीरियल नंबर भी दे सकते हैं। सीरियल नंबर के अलावा डेट से भी आप रख सकते हैं इसको, डेट के अलावा इनवाइस नंबर भी यहाँ से आप शुरू शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने कोड का कॉलम बनाया था। कोई भी जो प्रोडक्ट का कोड है वो लिखेंगे। कोड के बाद माउस इसके कॉर्नर सेल पे लेके, अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए ये मैं आप करेंगे काम, तो आप इसी को ड्रैग कर दीजिएगा। माउस के कॉर्नर पे पॉइंटर ले आइएगा, और सेल के कॉर्नर पे पॉइंटर ले आइएगा, और माउस को कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ नीचे तक ड्रैग। इसकी भी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ आइटम नेम, आइटम नेम की जगह एम्प्लॉय नेम भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय नेम कर दें, प्रोडक्ट के अंदर हम आइटम टाइप कर देंगे। इसके अलावा नेम में नाम, एम्प्लॉयज के सारे नाम आ जाएंगे। यहाँ लिस्ट मैंने पहले से एक्सेल में बनाकर सेव की हुई है। अगर आप न्यू देखने वाले हैं तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, कस्टम एट कस्टम लिस्ट के नाम से ये मैंने बनाई हुई है वीडियो। उसमें किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट के, अपने एम्प्लॉयज़ के, या कोई भी अपनी बनाई हुई लिस्ट एक्सेल में किस तरह सेव कर सकते हैं वो मैंने बताया हुआ है, तो ये आपको पता चल जाएगा।
फिलहाल अगर नहीं पता तो आप मैनुअल एम्प्लॉयज के नाम लिख सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के नाम आ जाएंगे, प्रोडक्ट जो भी बिजनेस होगा या जो भी आइटम नेम होंगे वो आप प्रोडक्ट वाले कॉलम में टाइप करेंगे। यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए पाउस करके वीडियो को मैंने प्रोडक्ट्स के नाम लिख लिए हैं। रेट के अंदर जिस प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो अमाउंट मैंने लिख लिया, क्वांटिटी जितनी तादाद में ये सेल्स हुई हैं वो मैंने यहाँ पर इंटर किया हुआ है। कैलकुलेशन अमाउंट से करेंगे, ये आप टाइम बचाने के लिए मैंने किया था, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद अमाउंट्स पे आके कैलकुलेट कैलकुलेशन होगी, अमाउंट में आएंगे इक्वल, इक्वल के बाद रेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी, एंटर। एंटर करने के बाद फॉर्मूले को नीचे तक लेके आ जाएंगे, सेल ड्रैग कर देंगे। टैक्स भी होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पेड करने के लिए इसमें फ़र्ज़ कर लें 5% टैक्स देना है हमें, तो इक्वल टैक्स निकालने के लिए अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड से लगाएंगे। कीबोर्ड से मल्टीप्लाई करने के बाद, साइन लगाने के बाद जितने परसेंट टैक्स है, मिसाल के तौर पे 5%, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और शिफ्ट के साथ जो अल्फ़ाबेट के ऊपर न्यूमेरिक कीज आ रही होती हैं इसमें सिंबल दिए हुए होते हैं, यहाँ से शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो परसेंट का साइन भी लिखा हुआ आ जाएगा। इंटर, इंटर करने के बाद टैक्स आ गया फर्स्ट वाले का, इसको आप नीचे तक यहाँ से ड्रैग कर देंगे। इसी तरह कमीशन निकालना है कि जिन एम्प्लॉयज़ ने सेल किया है ये उनको 2% कमीशन देना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट सिलेक्ट मल्टीप्लाई 2, 2 लिखने के बाद शिफ्ट के साथ वही 5 का बटन प्रेस करेंगे, परसेंट का साइन आ गया, एंटर। सेल एंटर करने के बाद दोबारा सेल पर आए, सेल के कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लाने के बाद ड्रैग कर देंगे इसे। टोटल के लिए अब अमाउंट को, टैक्स को और कमीशन को सबको प्लस करके चेक करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हम इक्वल सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद अमाउंट टैक्स कमीशन तीनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमारा टोटल आ गया यहाँ पे। अब सबके लिए हमें इस आंसर को निकालना है, तो इसके लिए आप माउस के कॉर्नर पे ले आएँ और ड्रैग कर दें। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई, इसको और अच्छा करने के लिए फॉर्मेटिंग और अच्छी भी कर सकते हैं, कोई कंपनी या जिस ब्रांड का हम ये काम कर रहे हैं तो उसका कोई लोगो भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। लोगो लाजमी सी बात है, पिक्चर फॉर्मेट में होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में आते हैं, यहाँ पिक्चर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर में जहाँ आपने अपनी पिक्चर या लोगो आपने सेव किया हुआ होता है वहाँ से जाकर वो आप सेलेक्ट करके इंसर्ट क्लिक करते हैं। इंसर्ट क्लिक करने के बाद यहाँ एक लोगो मेरे पास सेव हुआ होता है, वो मैं इसके ऊपर सेट कर रहा हूँ। काम को जितना अच्छा बनाकर करेंगे उतना अच्छा लगेगा आपको। अगर इसे क्रॉप करना है, जैसे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो यहाँ पिक्चर इंसर्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू शो हो रहा है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर क्रॉप का ऑप्शन हो दिया हुआ होता है। क्रॉप जो होता है पिक्चर के पार्ट को माइनस करने के लिए होता है, जो फालतू में बाहर का पार्ट माइनस करना है तो हम उसको क्रॉप करते हैं। पिक्चर एक बार देख लें, यहाँ पिक्चर टूल जब शो होती है जब पिक्चर पर क्लिक होगा, अगर आपने बाहर कहीं क्लिक किया हुआ है तो यहाँ कोई मेन्यू नहीं शो हो रहा, जब पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो फिर ये मेन्यू शो होगा, इसमें आगे क्रॉप पे क्लिक करें। क्रॉप पे करने के बाद यहाँ देखेंगे आप क्रॉप के ऑप्शन शो कर रहे हैं पॉइंट्स, इसको पकड़ के नीचे तक क्रॉप करनी है, जहाँ तक वहाँ तक लेकर आए, यहाँ से इसको क्रॉप कर दें, यहाँ से इसको एंटर करेंगे, क्रॉप फ्लाई हो जाएगा आपका, या बाहर क्लिक करें कहीं भी सेल पर, अब इसको उठा के आप सेट कर लें। और मज़ीद बॉर्डर वगैरह या कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह देने तो हम यहाँ से भी इसके ऊपर दे सकते हैं।
उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इसको देखकर इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।